राम राम। आज हम शारीरिक भाषा के अंतर्गत आपको वार्तालाप की विभिन्न मुद्राओं के बारे में जानकारी देंगे। पहले हम चर्चा करेंगे सिर उठा करके वार्तालाप करना, गर्दन उठा करके वार्तालाप करना। सिर उठा करके या गर्दन उठा करके जो व्यक्ति वार्तालाप करते हैं, जो व्यक्ति बातें करते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भरा होता है। वे बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं। उसको पता होता है कि उसे क्या बात करनी है और उसे ये भी पता है कि किस प्रकार बातें करनी है तथा उसका निर्णय क्या होगा, उसको भी ये बात भली भांत जानकारी होती है। ऐसे व्यक्ति प्रायः बहुत ही धनी, बहुत ही संपन्न, उनके पास समस्त भौतिक सुख सुविधाएं प्रायः होती ही हैं। ऐसे व्यक्ति धनवान होने के साथ साथ कुछ अभिमानी प्रवृत्ति के भी होते हैं। यह इनकी आदत में शामिल होता है किसी की आंखों में आंखें डाल करके बातें करना, जिससे ये व्यक्ति दूसरों के मनोभावों के अनुसार उनकी मनोदशा को पहचान कर उसी के अनुसार बातें करते हैं, उसी के अनुसार आचरण करते हैं और अपने व्यवहार को, अपने आचरण को उनके अनुसार बदल भी देते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः बहुत ही मेहनती होते हैं। मेहनत इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। ये बहुत ही परिश्रमी होते हैं, मगर साथ में ये बहुत क्रोधी भी होते हैं। इनकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही प्रबल होती है। बहुत ही शीघ्रतम निर्णय लेने वालों में से ये व्यक्ति होते हैं। सिर झुका करके वार्तालाप करने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने सिर को, अपने गर्दनों को झुका करके बात करते हैं, उनका चरित्र कैसा होता है, हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। जो व्यक्ति बात बात में अपने सिर झुका करके, जो व्यक्ति वार्तालाप करते समय अपने सर को झुका करके बात करते हैं, अपने गर्दन को झुका करके बात करते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास होता ही नहीं है। उनके अंदर आत्मविश्वास का अभाव होता है। ऐसे व्यक्ति बिना किसी उत्साह के होते हैं। ऐसे व्यक्ति निरुत्साही होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर निराशा भी कूट कूट के भरी होती है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर हीनता भी भरी होती है। ऐसे व्यक्ति हीन भावना के शिकार भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य प्रणाली का निर्णय ठीक से कर ही नहीं पाते हैं और ऐसे व्यक्ति जीवन में निर्णय सही से नहीं ले पाते हैं। सही तरीके से निर्णय लेना इनके बस की बात होती ही नहीं है। प्रायः यह निर्णय लेने में असफल रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बात करते समय अपनी निगाहें, अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं ताकि इनके बारे में कोई, इनके मनोदशा को कोई व्यक्ति भांप न सके, कोई जान न सके। ऐसे व्यक्ति कल्पनाओं में तो बहुत डूबे रहते हैं, कल्पनाओं के सागर में डुबकियां लगाते रहते हैं, मगर उन्हें यथार्थ में लाना, उन्हें यथार्थ में परिवर्तन करना इनके बस की बात होती ही नहीं है। अगर इनके मन की थाह लेना हो, इन्हें, इनको अनेकानेक प्रश्न पूछ करके इनके बारे में आप जान सकते हैं। बहुत प्रश्न करने के बाद भी प्रायः सफलता कम ही मिलती है, मगर प्रश्न करते करते आप इनके मनोभाव को अच्छी तरह पढ़ने में सफल हो सकते हैं। किनके? जो व्यक्ति प्रायः वार्तालाप करते समय, बातें करते समय अपने सर को झुका करके बात करते हैं, अपने गर्दन को झुका करके बात करते हैं, अपने निगाहों को नीचे करके बात करते हैं, ऐसे लोगों का जीवन निराशा और कुंठाओं से ग्रस्त होता है। मैंने आज चर्चा किया है ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो बात करते करते या तो अपने गर्दन उठा के बात करते हैं, सर को उठा करके बात करते हैं, नजरें मिला करके बात करते हैं, और ऐसे व्यक्ति की भी मैंने चर्चा किया है कि जो बात करते करते अपनी नज़रों को झुका लेते हैं, अपने गर्दन को झुका लेते हैं, अपने सर को झुका लेते हैं। आशा है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कुछ और जानने की इच्छा हो तो हमारे WhatsApp पे मैसेज करके, फ़ोन कॉल पे कॉल करके या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जान सकते हैं। वह जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं का समाधान
आप अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं हमारे द्वारा। वह अपने घर बैठे सम्मोहन साधना, आत्मसम्मोहन साधना, दिव्य ऊर्जा साधना, कामधेनु साधना, वशीकरण साधना, चित्र वशीकरण साधना, आभा मंडल दर्शन साधना, टेलीपैथी व त्राटक भी सीखने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।